अब पशुपति व्रत को समझ लेना, कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं अच्छे से समझ लेना, 5 सोमवार का व्रत है। आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहां हो गई। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है तो कौन सा व्रत करूं मैं, तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो, या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का करो, छठ का करती हो तो छठ का करो, नवरात्र के व्रत करती हो तो नवरात्र के करो। 5 व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो, उसमें चंदन अबीर गुलाल जो भी आप रखना चाहें, रौली चावल मौली जनेऊ पंचामृत चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर और शिव जी का पूजन कर कर आराधना कर कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, हे शिव जी, हे ओगड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करेगा। बाबा मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रही हूं, आप स्वीकार करना, बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य में शाम को अलग से नहीं रखना, थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम आए। बाबा को निवेदन कर कर पूजा की थाली वापस ले आओ। शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ, 6 दिए रखो थाली के अंदर घी के, और दिए रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं, पंचामृत स्नान की जरूरत नहीं है, शाम को तो केवल जल का छींटा दे दो, पंचामृत का छींटा दे दो, बाबा की पूजन करो। पूजन कर प्रसाद के पहले 3 हिस्से करो, 3 हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाइए। फिर बाबा को कितने दिए लगाना है, जम के बोलो, 5 दिए लगाना है आपको। शंकर भगवान 5 दिए लगाइए, एक एक दिया जलाते जाएं और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात कहते जाएं। 5 दिए पूरे हो जाएं, 6ठा दिया जलाना नहीं है, उसको थाली में वापिस रख लें। दिए को थाली से नीचे उतारना जरूर, कौन से दिए को, जम के बोलो जरा, 6ठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर और फिर वापिस थाली में रख लेना है। प्रसाद 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना है, 1 हिस्सा थाली में रख के ले आना है। पूजन कर बाबा को निवेदन कर वापिस आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो सीधे हाथ की ओर, घर में अंदर जाते समय अपना जो राइट हैंड हो, अपना जो सीधा हाथ हो, उस ओर बैठो और बैठने के बाद उस दिए को प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, हमारा यह कार्य है सफल करिएगा। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन जब जीने के लिए बैठो, भोजन करने के लिए बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उस प्रसाद को खाइए। जो प्रसाद आप लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, आपको अकेले खाना, उतना ही प्रसाद लेकर जाना जितना खब जाए, छोड़ना भी नहीं। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में भोजन करिए।
इस व्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है, जब प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ, वो एक हिस्सा आप खाओ, उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं, मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो और भोजन करें। ऐसे पांचवा जब सोमवार आ जाए, बीच में अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई रजो धर्म आ गया, रजस वाला धर्म आ गया, कोई कार्य आ गया तो उसमें पूजन करना, पूजन नहीं करना है उसमें, व्रत जरूर करना। और जब पांचवा व्रत रहे, और पांचवा व्रत जब रहे तो उस पांचवे व्रत में जब सुबह पूजन करिया और शाम को पूजन करो, तो शाम को भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने, या बेलपत्र, या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो भगवान को चढ़ाकर, एक श्रीफल 11 रुपए उस पे रखकर शिव जी से निवेदन कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है पांच सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, पांचवे तक पहुंचोगे। ये शिव शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख कारू दया करी निदर्शन आपो। पांच व्रत पूर्ण कर, एकादशी पड़ जाए, रजस वाला धर्म पड़ जाए, कोई कारण पड़ जाए, तो फिर व्रत को आगे बढ़ाओ, पर पांच गिन के पांच। इसका मेरा शिव है पशुपति नाथ भगवान का स्मरण देवताओं ने किया, समय आया, आगे वर्णन आया, अंधकासुर मारा गया, तब हिरण्याक्ष को क्रोध आ गया। अंधकासुर जब मरा तब हिरण्याक्ष को क्रोध आया, और हिरण्याक्ष को क्रोध आया कि बताओ मेरा भतीजा मर गया, मेरा भाई मर गया, और भतीजा और भाई ये दोनों मर गए, मेरा सगा भाई आज मारा गया और मेरा भतीजा मारा गया। हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और उसने तुरंत विचार कर लिया कि अब मैं तप करूंगा, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करूंगा, तप करो, ब्रह्मदेव से वर प्राप्त करो, ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं, सुनिए भागवत, ना अंदर मरूं ना बोलते जाओ बाहर, ना अस्त्र से मरूं ना नर से अशु, ना दिन में ना ही बारह महीने में, वर मांगा था ना बारह महीने में नहीं मरूं, मेरे लिए कोई तेरहवा महीना है। तेरहवा ब्रह्मा जी ने कह दिया तथा, और हुआ वही, आया घर, धर्मपत्नी नहीं थी, कहां गई, इंद्र ले गए, इंद्र क्या गए तो कि देवऋषि नारद ले गए, नारद जी क्या, इंद्र जिस नारी को लेकर आए थे हिरण्यकश्यपु की पत्नी को, वो पत्नी देवऋषि नारद क्या गर्भित थी, और गर्भित नारी को देवऋषि नारद ने जो ज्ञान प्रदान करा, उस ज्ञान के बल से गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुई, उसने जन्म लेते से ही भगवान के नाम का एहलाद करा, उसी का नाम प्रहलाद हो गया, वो प्रहलाद प्रकट। पूछा हिरण्यकश्यपु ने, मेरी धर्मपत्नी आप क्या, हाँ ये आपका पुत्र ले जा। गुरु का काम केवल इतना ही, एक सतगुरु का काम संस्कार देने का है, राष्ट्र को संवारने का है, संस्कृति की ओर लेकर जाने का है,
सभ्यता की ओर लेकर जाने का है।